हाय गाइस, आज मैं बताऊंगा वन ऑफ द माय फेवरेट एक्सरसाइज। जी हाँ जी, सिक्स पैक। आज मैं बताऊंगा आपको कैसे आपने अपने सिक्स पैक को क्लियर करना है, जिसे हम एब्स भी बोलते हैं। और वैसे भी यार, आजकल तो लोगों का फैमिली पैक बना होता है। ज़्यादा बातें करने से बेहतर है कि हम वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने बिल्कुल ज़मीन पर इस तरह से लेट जाना है, ठीक है, और हाथों को ऐसे रख के क्रंचेस निकालने, ठीक है। इसे स्टैंडर्ड क्रंचेस कहते हैं, 20 रैप्स इसी तरह से आपने परफॉर्म करने हैं, निकालने हैं, ठीक है। और मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। और फिर आपको जो रिज़ल्ट मिलता है ना, फिर आपका दिल करता है यार जितना मर्ज़ी मुश्किल हो मैं तो ये करूँगा। जब लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, आपको देखते हैं और कहते हैं यार क्या बॉडी है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको गाइड करूँगा, अच्छी तरीके से गाइड करूँगा। उसके बाद आपने क्या करना, लेग रेस परफॉर्म करेंगे 20 रैप्स। इसको लेग रेस बोलते हैं। आप ज़मीन पर बिल्कुल सीधे लेटें और हाथों को जो है अपने हिप्स के नीचे रखें, और बिल्कुल इसी तरह से टांगों को अप एंड डाउन करें। इसको बोलते हैं लेग रेस। और सांस को जो है ना रोकना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी सांस को स्टॉप नहीं करना। बल्कि जैसे ही ऊपर की तरफ टांगे उठाएंगे तो सांस जो है ना बाहर की साइड पे निकालना है मुंह से, ठीक है। और मैक्सिमम आप 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, जितना आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप देखेंगे जैसे ही आप जैसे परफॉर्म करेंगे, आपके पेट स्टमक के ऊपर इतना अच्छा जोर पड़ेगा। अब आगे ट्विस्ट की बारी, ठीक है। अब आपने बिल्कुल इसी पोजीशन में सीधे टांगे करके थोड़ा सा अपने आप को ऊपर करना है, बेंड करना है, और ट्विस्ट निकालने हैं तकरीबन 20 टाइम्स। इसी तरह से आपने करना है, और यकीनन आपको बड़ा अच्छा जोर पड़ने वाला है। साथ साथ बातें करने से याद आया, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। बस जैसे ये लगा मैंने इंसान, वैसे ही आपने जान मारनी अपनी बिल्कुल साथ ही, ठीक है ना। और बहुत मज़ा आएगा आपको एक्सरसाइज करने का। आप फील करेंगे यार इस एक्सरसाइज को करने के बाद के वाकई आपके स्टमक पे बहुत अच्छा जोर पड़ा है। और अब आपने 20 सेकंड कम से कम रेस्ट करना है, ठीक है, और अपने पेट को खींच के रखना है, और सांस जो है आहिस्ता आहिस्ता मुँह के ज़रिए बाहर निकालना और पेट को खींच के रखना है। और देखेंगे आप कितना अच्छा आपका जोर पड़ा है, और फील होगा आपको यार कि आपके स्टमक पे बहुत अच्छा खासा जोर आया है, और आपके सिक्स पैक जो है खुद बताएंगे यार बस कर दो मैं थक गया हूँ। लेकिन थकना नहीं है, आपने ऐसे ही एक्सरसाइज करनी है और सांस आराम आराम से लेना है, ठीक है। स्क्वीज़ करें और सांस लें, ठीक है। 20 सेकंड आपने तकरीबन 20 30 40 जितना आप इजी फील करें, उसके बाद आपने पेट को ज़ोर से अंदर की साइड पे खींच लेना है और बिल्कुल साथ लगाना है और होल्ड करके रखना है, ठीक है ना। वैक्यूम जितनी हवा है सारी सारी की सारी आपने मुंह के ज़रिए बाहर निकाल के पेट को बिल्कुल साथ लगा के रखना है। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और किसी भी जगह इसी पोजीशन के अंदर आपने खड़े हो जाना है और पेट को दोबारा अंदर की साइड पे खींचना है, ठीक है। जितनी भी हवा होगी आपके जिस्म के अंदर आपने मुंह के ज़रिए बाहर निकाल देनी है, और पेट को बिल्कुल इसी तरह इसी पोजीशन के साथ खींच के रखना है, ठीक है, जितना आप खींच सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपके जो सिक्स पैक हैं बहुत अच्छे तरीके से वाजिया होना शुरू हो जाएंगे, और आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे जैसे ही आप अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे। इसको बोलते हैं फिनिश हैंगिंग लेग रेस, ठीक है। अब आपने इसी तरह से अपने आप को किसी बार के साथ लटका लेना जी आराम से, और इसी तरह से जैसे ये बंदा कर रहा है बिल्कुल वैसे ही आपने करते जाना है। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं, आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आप ठान लें कि आपको कुछ बनना है, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, ठीक है। और ये बॉडी तो कमाल की बॉडी है, आपकी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बन सकती है। और 20 रैप्स इसी तरह से आपने निकालने हैं, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा, जिम में जाएं और ये एक्सरसाइज लाजमी कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। मैं पर्सनली ये कर चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको उसके बाद जो फील होने वाला ना एक्सरसाइज करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही पोज करेंगे, और हर बंदा आपको देखेगा यार कहेगा वाह कमाल के सिक्स पैक हैं, ठीक है। और क्या फ़ोटो शूट करवाने का मज़ा आता है ना, उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता। और यकीनन आप भी इसी तरह से सिक्स पैक बना के फ़ोटोशूट करवाएंगे। उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद करने के बाद बेल आइकन का लाजमी बटन प्रेस कर दीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो मैं लेके आऊँगा। और यार देख सकते हो यार कैसे कैसे पोज मार रहा है, कि मैं कह रहा हूँ बस मैं भी अपनी शर्ट उतारूँ और कैमरे के आगे आ जाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।